रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस भाजपा का टिकट घोषित होते ही राजनीतिक पारा गर्म हो गया है। एक दूसरे के धुर विरोधी अभय मिश्रा और केपी त्रिपाठी एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं। यहां देखना भी है कि ऊंट किस करवट बैठती है। वर्ष 2008 के चुनाव में अभय मिश्रा सिमरिया से भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे। अभय मिश्रा को 25,875 मत हासिल हुए थे, जबकि लाल मणि पांडे बीएसपी को 20,090 मत हासिल हुए थे। अभय मिश्रा 5,785 मतों से विजयी घोषित हुए थे। इसके बाद वर्ष 2013 से अभय मिश्रा का टिकट काटकर उनकी पत्नी नीलम मिश्रा को भाजपा ने मैदान में उतारा था। नीलम मिश्रा अपने प्रतिद्वंदी बीएसपी के पंकज सिंह को 5,977 मतों से पराजित कर विधायक चुनी गई। इसके बाद से अभय मिश्रा अपनी आदतों के कारण लूप लाइन में चले गए। वर्ष 2018 के चुनाव में भाजपा ने अपना प्रत्याशी केपी त्रिपाठी को बनाया, जिसमें केपी त्रिपाठी को 47,889 मत हासिल हुए। वहीं कांग्रेस के त्रियोगी नारायण भगत शुक्ला 40,113 मत पाकर दूसरे नंबर पर हैं। 2023 के चुनाव में जहां भाजपा से केपी त्रिपाठी प्रत्याशी हैं, वहीं लगातार दल बदलने वाले अभय मिश्रा को कांग्रेस ने अभेदान कर उन्हें उम्मीदवार बनाया है। रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा सीट खासा चर्चा में है, क्योंकि दोनों दलों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार दूध के धुले नहीं हैं। इनके ऊपर कई बार दाग लग चुका है। अभय मिश्रा के ऊपर केपी त्रिपाठी और केपी त्रिपाठी के ऊपर अभय मिश्रा लगातार 5 वर्ष से एक दूसरे के ऊपर लगातार दाग लगते रहे। अभय मिश्रा के ऊपर शराब तस्करी सहित रीवा शहर के शराब दुकान हड़पने का भी आरोप लगा है, जबकि केपी त्रिपाठी पर सिरमौर जनपद सीईओ एसके मिश्रा के ऊपर हमला करने का भी आरोप लग चुका है। वहीं कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रत्याशी बाहुबली माने जाते हैं। इस बार सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला होने के असर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीएसपी प्रत्याशी पंकज सिंह पटेल कई पंचवर्षीय से भाजपा कांग्रेस का पीछा कर रहे हैं।